टॉपिक इज कॉसी एडियाबैटिक स्टेट। एडियाबैटिक स्टेट की इक्वेशन ड्राइव करनी है, कॉसी एडियाबैटिक स्टेट की इक्वेशन। कॉसी का क्या मतलब होता है? वो रिएक्शंस जो बहुत स्लो रेट पे हों, जो स्लो रेट पे हों, जैसे आपके हेयर ग्रोथ हो गई, ये सारे स्लो रेट पे होते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं कि कॉसी है। एडियाबैटिक आपको पता है जिसमें कोई हीट ट्रांसफ़र ना हो, हीट ज़ीरो। फर्स्ट ऑफ इसकी डेरिवेशन ड्रा करते हैं, ठीक है। आपने प्रूफ करना है कि पी वी गैमा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ को क्या कहते हैं कि डी क्यू इज इक्वल होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब आपके पास जो डी डब्ल्यू होता है वो क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व, और एरिया अंडर द कर्व प्रेशर, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम का होता है ये, कोई भी अगर है ये तो वर्क डन है एरिया अंडर द कर्व। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। बात क्या हो रही है एडियाबैटिक की, तो फॉर एडियाबैटिक के लिए, फॉर एडियाबैटिक डी क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो हम क्या लिख देंगे कि डी यू प्लस पी डी वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे बाय डेफिनेशन, ठीक है, आप देखोगे कि बाय डेफिनेशन सी वी जो होता है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल होती है डी यू बाय डी टी के, और एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इस चीज़ का मतलब है कि एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालो डी यू की, डी यू की वैल्यू निकालो और इसमें पुट करो, तो क्या होगा? सी वी डी टी प्लस पी डी वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपके पास इक्वेशन जो है ये मेन इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर वन नेम दे दो। यहाँ पे इस इक्वेशन आपने डी टी की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट करनी है, तो फॉर डी टी के लिए आप लिखोगे कि आइडियल गैस, ठीक है, ये आप फॉर डी टी के लिए निकाल रहे हो। आइडियल गैस की इक्वेशन किसके इक्वल होती है? पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। इसका क्या लोगे आप? डेरिवेटिव लोगे, बाय टेकिंग डेरिवेटिव। जब इस चीज़ का डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा? पी के विद रिस्पेक्ट टू वी प्लस वी विद रिस्पेक्ट टू पी इज इक्वल्स टू एन आर, और यहाँ से डी टी हो जाएगा। डी टी की वैल्यू निकालोगे, डी टी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? पी डी वी प्लस वी डी पी प्लस एन डिवाइडेड बाय एन आर, ठीक है। इस एन आर की भी वैल्यू निकल सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख लो फॉर एन आर के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है कि जो सी पी माइनस सी वी इक्वल होता है वो एन आर के इक्वल होता है, ये पता है ना बात, ठीक है। ये ऐसे डॉट लगा लो कि ये एन आर के इक्वल होता है। यहाँ पे हमने वैल्यू डाली, डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी डी वी प्लस वी डी पी, ये हो जाएगा सी पी माइनस सी वी। इसकी वैल्यू अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? सी वी डी टी की जगह उसकी वैल्यू डाली, अब सिंपल आपने एलसीएम लेना है, और उस क्या होगा मतलब सिंपल आपने इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड ऑफ इक्वेशन के। जब इस चीज़ को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और सी वी पी डी वी प्लस वी डी पी प्लस पी डी वी सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब सिंपल इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, सी वी पी डी वी ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सी वी वी डी पी, अब
अब देखो ये चीज़ प्लस में है, ये माइनस में है, ये कैंसिल हो रही है, पीछे रह गया सी वी। ये माइनस में हो जाएगा। अगर आप इस पी को इधर ले आओ, इक्वेशन को मैं अरेंज कर रही हूँ, सी पी बाय सी पी ये किसके इक्वल होता है, ये चीज़ गैमा के इक्वल होती है। वैल्यू लिखी गैमा डी वी बाय वी, क्यों? क्योंकि जो सी पी बाय सी वी इक्वल होता है वो गैमा के इक्वल होता है। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर सेवन, इक्वेशन नंबर सॉरी टू नेम दे दो इसको। अब लिखोगे इंटीग्रेट, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देना। जब इंटीग्रेट करेंगे तो गैमा कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा और आपके पास इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एल एन ऑफ पी इज इक्वल्स टू माइनस गैमा एल एन ऑफ वी। साथ कोई कॉन्स्टेंट भी आता है उसको, उस कॉन्स्टेंट को मैं लिख दूंगी एल एन ऑफ ए, ए कॉन्स्टेंट है, एल एन ऑफ पी इधर आएगा तो प्लस गैमा एल एन ऑफ वी इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ ए। सॉरी नज़र नहीं आ रही। अब लॉग में क्या होता है, जो चीज़ प्लस होती है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ एल एन ऑफ पी वी। और ये चीज़ ये आपको पता है कि जब ये पावर बन जाती है, ये लॉग के रूल्स हैं, ये तो पता होंगे। फिर ये पी वी गैमा हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, और एल एन ऑफ ए। यहाँ पे आप लिखोगे टेकिंग एंटीलॉग, जब एंटीलॉग लोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ रह जाएगा पी वी गैमा इज इक्वल्स टू ए, और ए क्या है आपके पास कॉन्स्टेंट। तो ये इक्वेशन प्रूव हो गई। अब अगर आपके पास आ जाए, इक्वेशन वैसे प्रूफ हो चुकी है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि टी वी गैमा माइनस वन इज इक्वल्स टू ए या कॉन्स्टेंट, तो परेशान नहीं होना कि ये तो पढ़ा ही नहीं हुआ। ये वही चीज़ है बस जो आपने पीछे अभी प्रूफ की है, पी वी गैमा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये बस इन टर्म ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम है। और ये चीज़ जो है यहाँ तक ऐसे ही करना है, अगर ये इक्वेशन आ जाए बस ये टर्म जो है वो इन टर्म ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम है। इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या लिखोगे कि पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, यहाँ से आप पी की वैल्यू निकालोगे, पी की वैल्यू क्या है एन आर टी बाय वी, ठीक है। मेन इक्वेशन आपके पास क्या है, पी वी गैमा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट या इज इक्वल्स टू ए, यही मेन इक्वेशन है। अब इस पी की वैल्यू आपने इसमें पुट करनी है तो क्या हो जाएगा एन आर टी बाय वी, वी गैमा इज इक्वल्स टू ए। अब आगे कुछ नहीं करना, जैसे ये पी वी गैमा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट था, इसी तरह आपने ये वैल्यू इसकी वन है ना, तो ये ऊपर जाएगा गैमा माइनस वन हो जाएगा, बस बाकी लिख देना है टी माइनस वन इज इक्वल्स टू ए, और ये आपके पास इन टर्म ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम आ गया। और अगर इन टर्म्स ऑफ आ जाए कि इस टर्म, इन टर्म, इस टर्म में लिखो, यूनिवर्सिटी में ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं इसलिए ये करना ज़रूरी है। तो ये होते सिंपल ही हैं, आपने सिंपल उसी तरह पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी जो था, यहाँ से आपने इस केस में वी की वैल्यू निकालनी है, वो हो जाएगी एन आर टी बाय पी, और उस मेन इक्वेशन में आपने पुट कर देनी है जो कि पी वी गैमा इज इक्वल्स टू ए था। जब इसमें पुट करोगे तो एन आर टी बाय पी गैमा इज इक्वल्स टू ए। सिंपल अब क्या करना है, जो इक्वेशन यहाँ पुट करने के बाद
जो इक्वेशन है वो लिख देनी है जो चीज़ मांगी हुई है, क्योंकि बाकी सारे कॉन्स्टेंट होते हैं। ये आपके पास प्रूफ हो गए। इस टॉपिक में से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि एडियाबेटिक कर्व क्या होती है, या एडियाबेटिक कर्व निकालें तो वो कैसे निकलती है। आपके पास ये जो पी वी गैमा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आया था, ये चीज़ आपको स्लोप बताती है, ठीक है। किसी अगर एडियाबेटिक की कोई कर्व या है, कर्व की ही स्लोप बता दो आप, तो आपका जो स्लोप बताएगी ना, तो ये इक्वेशन आपको क्या बताती है, स्लोप, एडियाबेटिक की स्लोप बताएगी, स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है। अब अगर आपने निकालना हो कि एडियाबेटिक कर्व क्या थी, ये तो बता देगी आपको ये इक्वेशन, तो आपको स्लोप बताती है। अगर आ जाएगा स्लोप ऑफ एडियाबेटिक तो आपने ये इक्वेशन बना ड्राइव करनी है, लेकिन अगर आ जाए कर्व तो वो कैसे ड्राइव करेंगे। आपके पास पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट था, इस चीज़ का आपने डेरीवेटिव ले लेना है। जब आप डेरीवेटिव लोगे तो किसके इक्वल आएगा, वी गैमा डी पी प्लस गैमा पी वी डी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का डेरीवेटिव ज़ीरो होता है। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, सिंपल ये इधर ले आए, ठीक है, थोड़ी सी अरेंजमेंट की इक्वेशन की। अभी जो डी पी बाई डी वी, इस इक्वेशन को उधर ले जाऊंगी, माइनस गैमा पी आएगा और नीचे वी रह जाएगा सिर्फ,